শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয় গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ ভক্ত বিন্দম শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিতোদ से नन्दनन्दनं वन्देराधिका चरणोदयं गोपीयनो समायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवश्यकृपासिन्धुभवच पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः

तेथास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भेत्तातिहं पुणुतपाल्यभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विश्वरुजितकमपि गोवधु शिवदर्श पूर्णानुरागरसुसागरसारमूर्तिः कदा साराधिका कदम कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु निदानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवसादी गौरभक्तिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनंद श्रीअद्वताधर शिवसादी गौरभक्तिंद হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে আজানু লম্বিত ভুজৌ কনকাতো সংকীর্তনৈকিত কমলা विशाम्बरू रिज भरु जुगोधर मु वंदे जगत प्रिय करु करुणा भथारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरी दिव्यूप च मुक्तिं च भावानुपे न सदा नम गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर अभिव्यशी तबाम भागम नारायणो प्रिय मनोगोमाधाप्वारम् बरान सिपुरोपति भजभीषणात्म वागि सजुष्ट बदनी लक्ष्मीर्यस्च च वक्षसी यस्यास्ते हिदय संभी सिंहम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, 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 राम नैतात्मनो मे तव कथास्वैकुण्ठनाथ सम्प्रीहीयति दुरितदुष्टमसाधुतीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयैशनाथं तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि धीमः नैतात्मनो मे तव कथास संप्रियते सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधुतीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयै शनार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीनः गौर्यगोष्ठीपति श्री शिलोभक्ति सिद्धांत सरस्वती को समेत भोपाल परमंशु जगत गुरु जी ने बताए अपरा जगत का साथ नाता जोड़ने का दूसरा कोई रास्ता नहीं एकमात्र अपराकित शब्दों ब्रह्मों का सहारा लेना यही एक रास्ता खुला है गौरी गोष्ठी श्री भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी जगत भोपाल परमंशु जगत गुरु जी ने बताए अपराकित जगत का साथ अध जो वस्तु का साथ नाता जोड़ने का दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं है एकमात्र एक के रास्ता है शब्द ब्रह्म का सहारा लेना अपराकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा लेने से अपराकृत जगत का साथ संपर्क जोड़ना संबंध जोड़ना संभव है बाकी किसी भी तरीका से अपराकृत जगत का साथ संबंध जोड़ने का कोई रास्ता नहीं अपराकृत ब्रह्म वैकुंठ जगत से उतार के आते हैं प्राकृत जगत में प्राकृत ब्रह्म प्राकृत जगत में हम लोग अगर सोचे जो प्राकृत शब्द ब्रह्म ये होता नहीं शब्द ब्रह्म मतलब अप्राकृत शब्द प्राकृत जगत में अप्राकृत शब्द ब्रह्म होता ही नहीं ये संभव नहीं प्राकृत जगत में प्राकृत शब्द है और अप्राकृत जगत में अप्राकृत जगत से शब्द ब्रह्म उतार के आते हैं लेकिन कैसे आते हैं अप्राकृत शब्द ब्रह्म गुरु वैष्णव का अपराकित जीवा जवान पे गुरु वैष्णव का जो अपराकृत जवान है अपराकृत जवान से उतार के आते हैं वैकुंठ शब्दों ब्रह्म गुरु वैष्णवों का जवान पे उतार के उच्चारित होके हमारा कौर्ण विवर में प्रविष्ट होकर हमारा जितना सारे अनर्थ है सब साफा कर दे और हम अपरा शब्द ब्रह्मो अपराधित जगत का साथ नाता संबंध जोड़ लेते हैं ये संभव है जड़ जगत का आदमी जड़ जगत का आनंद लेते हैं एक संत महात्मा का साथ भेंट होने का मतलब है अपने को पवित्र बनाना अपने को पवित्र बनाना यही मकसद है और अपराकृत जगत का शब्द सुन के अपराकृत जगत का साथ संबंध बनाना ये नियम है प्रहलाद महाराज जी बड़ा विनम्र भाव से बड़ा विनम्र भाव से प्रहलाद महाराज जी भगवान का पास नरसिंह भगवान का प्रार्थना कर रहे जो हमारा ये दुष्ट मन हमारा ये जो विकेट माइंड है हमारे मन आपका कथा कीर्तन में सोवन कीर्तन में बिल्कुल लगता नहीं और आपका साथ नाता जोड़ने का तो एक ही रास्ता है आपका साथ संबंध जोड़ने का तो रास्ता एक ही है यह है अपरा के शब्द ब्रह्म का सहारा लेना लेकिन मेरा दुष्ट मन मेरा दुष्ट मन आपका कथा कीर्तन में बिल्कुल लगता नहीं दूरित दुष्टम साधु तीव्रम और हर वक्त काम अवस्था में रहता हूँ काम आतुर हमारा अंदर में भोगने का वासना है सब कुछ इसी अवस्था में आपका पास मैं कैसे कैसे पहुँचूँ इसी अवस्था में आपका पास मैं कैसे पहुँचूँ ये बड़ा चिंतित हूँ मैं क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं एक दफ़े एक दफ़े प्रभुपात जी दक्षिण भारत में जहाँ राय रामानंदो और स्वरूप दामोदर का जो मिलन स्थली राय रामानंदो स्वरूप दामोदर का साथ मिलन स्थली गोदावरी नदी का किनारे बहुत दिन पहले का बात है पहुपाद जी प्रचार में गए हैं और हमारा वाइ्य ब्रह्मचारी परम माधव गोसिमा श्रीधर गोसिमा सारे भक्त लोग हैं और पहुपा हरि हरी, हरी कथा शुरू कर दिया बांग्ला में हरि कथा शुरू कर दिया बांग्ला में घंटों भर हरि कथा बोला बांग्ला में बांग्ला में कथा बोलने का बाद जब कथा समाप्त किया हमारा गुरुवर्गों ने है कि ब्रह्मचारी श्रीधर महाराज चले पोपाद यहाँ बांग्ला में प्रवोचन किए यहाँ का आदमी तो बांग्ला समझता नहीं है यहाँ का आदमी तो बांग्ला समझता नहीं यहाँ तेलुगु समझेगा तमिल समझेगा या तो अंग्रेज़ी समझेगा पोपाद ने गंभीर स्वर से बताया ना तो मैं अंग्रेजी बोला ना तो मैं बंगला बोला ना तो मैं हिंदी बोला मैं तो हरी कथा बोला की जगत का शब्द ब्रह्म चाहे बंगला में आए चाहे अंग्रेजी में आए चाहे हिंदी में आए फर्क नहीं पड़ता अपराकृत शब्द ब्रह्मों कैन कम एनी लैंग्वेज इन एनी लैंग्वेज प्रपाद बताएँ अप्राकृत ब्रह्म कोई भाषा के को ऊपर डिपेंड नहीं है यद्यपि हरिकथा बोलने के लिए भाषा ज़रूरी है या तो अंग्रेजी बोलो बांग्ला बोलो हिंदी बोलो किसी भी भाषा बोलो लेकिन पौपात बोल रहे हैं शब्द ब्रह्म कभी भी प्राकृत भाषा का ऊपर डिपेंड नहीं है डिपेंडेंट नहीं है प्राकृत भाषा का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है शब्द ब्रह्म अगर आए आप हिंदी समझो नहीं समझो बांग्ला में प्रवचन हो रहा है बांग्ला समझो नहीं समझो फर्क नहीं पड़ता शब्द ब्रह्म का एक रिएक्शन है शब्द ब्रह्म किसी भी भाषा में आए लेकिन इसका एक प्रभाव दिल में पड़ता है धक्का लगता है जैसे नरोत्तम ठाकुर महाशय नौतम ठाकुर महाशय प्रचार करने के लिए एक्सट्रीम ईस्टर्न जोन में गया जहाँ मणिपुर है त्रिपुरा है मणिपुर है त्रिपुरा एक्सट्रीम वहाँ जाके के ठाकुर एक देव मंदिर में विष्णु मंदिर में भगवत मंदिर में बैठ के कीर्तन कर रहा है बांग्ला में पाषा ने कुटीबो माथा अन पशिबो गौरंग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो बांग्ला में कीर्तन कर, कर रहे है नॉर्थ मुंडाकुर और इतना बड़ा प्रभावशाली वैष्णव है वो बैठ के कीर्तन कर रहे हैं करता लेके और चारों ओर मणिपुरी आदमी दे हैव नो आइडिया अबाउट बंगाली लैंग्वेज नथिंग वो लोग बैठा हुआ है और वो रो रहा है जब नरत कीर्तन कर रहा है वो लोग रो रहे हैं किसलिए रो रहा है कौन जाने भाषा समझे नहीं कुछ नहीं जाने लेकिन रो रहा है पाषाणे कुटीबो माथा अनोले पोषिबो गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो पाकी झुड़े पाषाण विदोरे ये कोई ड्राई फिलोसॉफी नहीं है ये कोई ड्राई फिलोसॉफी नहीं है पशु पाकी झूरे पाषाण विदोरे सब जितना पंछी है बार्ड्स देर शेडिंग टीयर्स एंड द स्टोन मेल्टिंग यू कैन नॉट बिलीव विश्वास नहीं होगा जब कीर्तन चल रहा है सारे पंछी सब पेड़ में इंट्रीज दो से दो बार्ड्स पंची अपना शेड पानी गिर रहा है और पत्थर पिघल रहा है प्रैक्टिकल पाषाणे कुटीबो माथा अनोले पशीब गौरा गुनेर निधि पाबो पशु बाकी झुड़े पाषाण विधरे सुनी जार का था ये लोग बांग्ला समझता नहीं मणिपुरी लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड स्टील क्राइंग वाइड नो कारण वट इज द रीजन बिहाइंड इट कारण यही है नरोत्तम ठाकुर का जवान से अपराकित शब्द ब्रह्म कीर्तन निकल रहा है अपराकित शब्द ब्रह्म जो कीर्तन है निकल रहा है ये कोई प्राकृत भाषा नहीं है अपराकृत शब्द ब्रह्म

पर भी माधव महाराज एक बांग्ला कीर्तन कर रहे हैं। ओ ब्रजवासी तोरा बोल कोथा गेले कृष्ण बाबो तो, तोरा बोल माधव कुश्य कीर्तन कर रहे, हैं। कर रहे, हैं। रहे है ब्रजवासी यू गाइड मी वेर आई कैन गो एंड गेट कृष्ण माधव कुय कीर्तन कर रहा है रो रहा है आंसू गिर रहा है और पंजाबी भक्त है बंगाली है बहुत सारे भक्त है हिंदी पंजाबी साउथ इंडिया का भी भक्त है लेकिन बहुत सारे भक्तो रो रहा है एक पंजाबी भक्त पंजाबी लेडी ये हमारा भक्ति विज्ञान भारती गुस्से महाराज को पूछा ये महाराज हमारा गुरुजी जी परम माधव को क्या कीर्तन कर रहे हैं इसका माने क्या है मीनिंग क्या है वो जो कीर्तन कर रहे है ब्रजवासी तोरा बोल कोथा गेले कृष्ण बाबो तोरा बोल वेर आई कैन गो एंड फाइन कृष्ण ब्रजवासी गाइड मी दिस कीर्तन बट दे डोंट अंडरस्टैंड लैंग्वेज ये लोग भाषा समझता नहीं लेकिन फिर भी रो रहा है भारतीय महाराज को भारतीय महाराज को पूछा गुरु जी क्या कर रहा है व्हाट गुरु जी व्हाट इज द मीनिंग भारतीय यू डोंट अंडरस्टैंड लैंग्वेज देन वाई यू आर शेरिंग बट आई डोंट नो व्हाई दैट्स मीन ब्रह्म का नून टाइम नून टाइम आफ्टर नून टाइम कथा आई कैन डिस्कस ऑल इंडिया तो शब्द ब्रह्म का एक इफेक्ट है दैट महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऑलवेज वॉन्टेड टू टीच अज दैट पॉइंट दैट डोंट वेस्ट योर लाइफ अपना जिंदगी का समय का बर्बाद मात मत करो अपना जिंदगी का जो समय है बर्बाद मत करो हर वक़्त भगवान का कीर्तन कथा इसमें लगे रहो की शयने की भजने कि बागोरो ने और कृष्ण कि बहा महाप्रभु कह रहे हैं सौर्व खूण बोलो इत विधि नहीं आज हर समय हर वक्त बक, हर बकत भगवान का नाम रटते रहो आपका जवान पे हर वक्त नाम चलते रहे कि शयने की, की, की भोजने कि स्वयने की भोजने किंबा बा जागरणे अहर चिंत कृष्ण बलह बदने सर्वक्षण बलो इथे विधि नहीं आर ऑल द टाइम यू कैन स्पीक नाम एंड अगर नाम उच्चारण किया तो नाम का फल नाम का रिजल्ट जरूर मिलेगा क्योंकि श्री चैतन्य जी ने ना बताया नाम नाम औकारी बहुदा निज सर्वशक्ति तत्ता नियमित स्मरणे नो का लो तब कृपा भगवान ममापी दुर्दीशम मिहाजुनी नानुरागा भगवान यू हैव गिवन ऑल पावर इन योर नेम कंप्लीट भगवान आपका नाम का अंदर में आप अपना शक्ति भरपूर दे दिया लेकिन मेरा दुर्दैव है बैड लाक ये मेरा ये अपराकृत नाम का ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है रुचि नहीं हो रहा है आई एम नॉट फेलिंग इन ई टेस्ट इन टेकिंग हरि नाम हियरिंग कथा दैट इज माई बैड लाक वेरी बैड लाक महाप्रभु जी तीसरा श्लोक में बताया नाम नाम औका दूसरा श्लोक में तीसरा श्लोक में तीसरा तिनाद भी सुनिचे नाम नाम औकारी बहुदा निजो सर्वशक्ति पिता नियमित तो स्मरण कहा लो आप आपका कृष्णो गोविंदो गोपाल अलग अलग सा नाम का व्यवस्था जगत में प्रचार किया और इस नाम का अंदर में अब तमाम शक्ति को भरपूर दे दिया लेकिन मेरा तकदीर खराब है ये नाम में मेरा रुचि नहीं है आनंद नहीं लग रहा दुद्दैव मिद्रिशम मित्री स्व नानु रागा महाप्रभु हम लोगों को शिक्षा के लिए महाप्रभु हम लोगों को शिक्षा शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान बता रहे हमारा नाम में रुचि नहीं हुआ दुद्दैव दैव अमार रुचि ना होइलो सेना में रुचि ना होइलो ही हमार ये बड़ा आश्चर्य चीज़ है सिर्फ कलिकाल में नहीं हर काल में हमने प्रमाण किया दो चार सात नौ दिनों का हरि कथा में आठ दिनों का हरि कथा में हमने चर्चा किया नाम के द्वारा सब कुछ हो सकता है नाम के द्वारा सब कुछ हो सकता है नाम के द्वारा सिद्धि हो सकता है कृष्ण प्रेम गोलोक धाम वृंदावन में पहुंच जाए नाम के द्वारा नाम का अंदर में इतना पावर है सब कुछ दे दिया नाम कलिकाल कलिकाल केवल नाम आधारा कलिकाल केवल नाम अधारा सुमर सुमर जीव उतर ही पारा कलिकाल ये कुछ दिन दो दिन पहले हमने बुलाया था कलौ तद हरिकीर्तना कृते यद तो विष्णु तेता जजतो तो दापोरे दापरे परिचर्यां और कलौ तद्हरिकीर्तनाथ एक एक डिवाइन डिस्पेंशन है एक एक युग में एक एक और तारक ब्रह्म मंत्र भी अलग अलग है हरे मुरारे मधुक बहारे गोपाल गोविंद सौरे अलग अलग मंत्र हैं शतयुग में एक मंत्र है तेता युग में एक मंत्र है दापर युग में एक मंत्र है और कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र तो है हरे कृष्ण महामंत्र तो सत्य युग में भी चल सकता है ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र ओनली एप्लीकेबल इन कलिकाल नॉट दैट हरे कृष्ण महामंत्र का इतना पावर है इतना सोफिस्टिकेटेड इतना पावर है जो हरिनाम महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे ये स्वतः में वेरी इफेक्टिव स्वतः में भी ये हरिनाम इफेक्टिव है तेता युग में भी इफेक्टिव है दापर युग में भी इफेक्टिव सार युग में अब कलिकाल कलिकाल में तो है ही है कोलिकाल में तो इफेक्टिव है ही है बहुत पावरफुल हम लोग पिछले दो दिनों से चर्चा कर रहा था कृष्णदास कोविदास गोस्वामी हम लोगों को कीपा करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत विचार को गुमफन किए हैं लिखित रूप में चैतन्य चरता में रख दिया यहाँ कैसे बदजीव कीपा बद्यजीव का ऊपर कैसे कीपा आ सकता है भगवान का इस सब तरीका विचार करके लिखा है इसको विचार करके लिखा है काल हम लोग बताया था चतुस्वी भागवत का भी चर्चा किया था भाग भागवत का अंतिम जो है यथा अंतिम जो है एतावन एव जिज्ञास तत्व जिज्ञा सुनातन अन्न वैतिरिक्याम जस सर्वोद सर्वोदय इसका भी चर्चा हुआ है और इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद किया ये श्लोक का बाद ये जो चतुश्लोकी भागवत का चतुश्लोक भागवत का जो ये जो श्लोक है एतावो ने वो जिज्ञासम तत्व जिज्ञासनातन अन्य वैतिरिक्भ्याम जस सर्वोदय सर्वदा जो व्यक्ति तत्व जिज्ञासु जो व्यक्ति इन ट्रू सेंस वन टू नो दैट तत्व सेल्फ इन्क्वायरी जिसका अंदर में आया है जिज्ञासा वो जरूर ऑन व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट तत्व विच इज देर इन हिडन फॉर्म जो हिडन फॉर्म में जो लुक्त रूप में दैट सीक्रेट तत्व ऑलरेडी देयर इन फोटो बट यू आर ब्लाइंड दैट्स वाई यू कैन नॉट सी एक्चुअली तत्व एवरीवेयर एवरीवेयर तत्व बट वी आर ब्लाइंड वी कैन नॉट सी हम लोग अंधा हैं हम लोगों का अंधापन के कारण ये तत्व अन्याय व्यति जो जगत में प्रकाशित हैं वो हम समझ ही नहीं पाते बड़ा आश्चर्य की बात है इसीलिए जो व्यक्ति तत्व जिज्ञासु हैं सेल्फ इन्क्वायरी जिसका अंदर में है अन्याय व्यतिर अन्याय व्यति रेख डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस विषय में बड़ा एनालिटिकल विचार पूर्वक जो वस्तु सर्वतो सर्वदा इटरनली प्रेजेंट उसको सर्च करने का कोशिश करें नॉट बाय द हेल्प ऑफ मेटेरियल सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन बट बाय द हेल्प ऑफ कृपा ऑफ गुरु गुरु कृपा अपना प्रयास प्रचेष्टा से कुछ नहीं होने वाला और तात्पर्य ये है, ये जो प्रेम रहस्य जिस उपाय में साधित होता है इसका नाम साधन भक्ति तत्व तो तो जिज्ञास पुरुष सद्गुरु का चरण में क्वेश्चन करें इसको रसामृत सिंधु में इसको रसामृत सिंधु में सदर्म परिच्छा रसामृत सिंधु में श्री रूप सिंह पाद जी ने लिखा है ये देखो आदो गुरु पदाशय तस्मात्षण दीक्षादि शिक्षणम गुरुचरण में अपना आत्मसमर्पण करने का बाद तन मन जीवन पद अर्पण सदा हरि नाम रटन हर वक़्त प्राण मन शरीर सब कुछ गुरुचरण में देकर सद्धर्म परीक्षा भगवत तत्त्वों का बारे में गुरु वैष्णव का सामने जाकर क्वेश्चन रखो ट्राई टू पुट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ गुरु वैष्णव अबाउट सेल्फ इंक्वायरी और तत्व रिलेटिंग टू भक्त भगवान करते रूप रूपकोष्ण बाद ये लिखा आदो गुरुप्रय तस्मा कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम गुरुचरण में एट ऑल अपना आत्मसमर्पण करने का बाद भजन शिक्षा हाउ टू डू भजन कैसे भजन किया जा सकता है इसका बारे में क्वेश्चन करो गुरुजी कैसे हम भजन करें और तरह तरह का क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन गुरु जी का पास सेवा सेवा करते करते क्वेश्चन करो विदाउट सेवा क्वेश्चन करो यू कैन हियर यू नॉट रियलाइज भगवान गीता में बताया जो देखो तद्विधि परिपाते नो परिपाषण नो से भया उपदेक्ष ज्ञानम ज्ञानीनो तत्वदर्शीनों तत्वदर्शी महापुरुष गण आपको ज्ञान का उपदेश जरूर देंगे प्रोवाइडेड यू आर गोइंग टू फुलफिल थ्री कंडीशन

तदविधि पणिपातेनो परिपोषेनो और सेवाया एंड यू शुड हैव सर्विंग टेम्परामेंट सेवा करते करते जो गुरुजी का मुखारविंद सब सुनोगे दैट तुम्हारा आपका दिल में बैठ जाएगा दैट यू कैन कैच इन कोर्स ऑफ सेवा व्हाट यू आर हियरिंग दैट यू कैन कैच अदरवाइज यू कैन नॉट कैच थ्री कंडीशन फुलफिल तदविधि पुरि, पुनिपातन परिपोषण सेवाया तो गुरुचरण में सदर्म परीक्षा चौसठी भंग भक्ति अंगों का अंदर में बहुत सारे चीज है सिक्सटी फोर डिफरेंट लिम्स ऑफ भजन मेन नाइन फोल्ड्स ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस ऑल अदर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट नाइन मोस्ट वाइटल्स सो so, गुरुजी का चरण का सेवा करते करते गुरुजी का पास तत्व तो जिज्ञासा रखते रखते तत्व तो तो अनुशीलन करते करते आज नहीं तो काल टुडे और टुमोरो यू कैन डेवलप दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिकली जिज्ञासम एतावधिव जिज्ञासा अन्य अन्य व्यतिरिकाभ्यम जत्सत्सर्वोत्सव सर्व जो तत्व विज्ञान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल इन्वॉल्व एवरीवेयर लाइक वन को वन क्लोथ इन क्लोथ देयर इज देयर इज थ्रेड यू नो थ्रेड इन मेसिन पोटिंग दिस थ्रेड दिस थ्रेड दिस थ्रेड दिस आफ्टर दैट यू कैन गेट क्लोथ वन क्लोथ आउट ऑफ मशीन सो मेसिन का मेसिंग से निकाला हुआ जो आपका कापरा है जो कापर कापर का अंदर में तंतु जैसे थ्रेड सूता हर वगत है और क्रोध में सूता है ऐसा मापिक इस जगत में कोने कोने में हर वस्तु में हर चीज में भगवान ये जो तत्व विज्ञान है छुपा हुआ है अन्य वैतृकाभ्यम जो सात सर्व तो सर्वोदा उसी को जानने के लिए प्रयास प्रचेष्टा करें काल हम चर्चा किया चिंता, चिंतामणिर्जयती सौम गिरीर, गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखी पिंछ मौलि यदकलुपलव शिखरेशय वर रसम लभते रसम लवते जयश्री। जयश्री मतलब राधा रानी जयश्री कौन है राधा रानी राधारानी जयश्री है कोवि कर्णपुर कौपुर कर्णपुर कौर्णपुर किष्ण कर्णामृतो को भी कोभि न कर्णपुर नहीं है बिल्लमंगल मंगल ठाकुर बिल्लमंगल मंगल ठाकुर बिल्लमंगल मंगल ठाकुर जी ने बिल्लमंगल मंगल ठाकुर जी ने किष्ण कर्णामृत बोल के एक किताब लिखा है बिल्लमंगल मंगल ठाकुर देर इज लॉन्ग हिस्ट्री

वट ऑल ब्यूटिफुल लीला भगवान इट इज हिस्टोरिकल ट्रूथ ब्रह्म कुंड का किनारे बैठ के लीला दिखा है ये बिल्ल मंगल ठाकुर जी ने कृष्ण कर्णामृत बोल के किताब लिखा है जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक कृष्ण कर्ुणामृत ग्रंथो किताब राय रामानंदो और सारुप दामोदर का साथ गंभीरा मंदिर का अंतर प्रकष्ट में बैठ के आनंद लिया गंभीरा मंदिर का ये क्षुद्र कैसे भजन कुटीर गंभीरा मंदिर का अंदर में वहाँ महाप्रभु राय रामानंदो स्वरूप दामोदर जी का साथ बैठ के एक कृष्ण करुणामित्व का आस्वादन किया वाट इज स्ट्रेसफुल एक एक श्लोक एक एक श्लोक राय महाशय गाते थे और स्वरूप दामोदर गाना गाते कीर्तन और महाप्रभु पागल हो जाते थे पागल आनंद से एकदम इतना आनंद है ये है वही करुणामित्व का एक श्लोक काल बताया भी था चिंता मनिर जयती सोम गुरुर में जो गुरु का सामने बिल्लमंगल ठाकुर दीक्षा मंत्र लिया था आपको सिखे शिकार भी किया था सोमगिर गुरुर में अपेरेंटली इट सीम्स ही टेकन दीक्षा फ्रॉम मायावती बिकॉज द नेम सोम गुरुर में और इसका बारे में खुलासा किया बाद में कोवि बिल्लमंगल ठाकुर जी ने बाद में शिकार भी किया जब पहले आनंद सिंहासनो जो मायावादी का मायावादी का जो ब्रह्मानंद हो मायावादी मायावादी का ये जो ब्रह्मानंद हो उधर से मायावादी का जो ब्रह्मानंद है उसी उधर से मेरे को लाकर भगवान गोविंदों का चरण का जो लीलामृतु पान कराकर मेरा जिंदगी को आनंद में भड़ा दिया ये खुद स्वीकार किया खुद स्वीकार किया पहले हम मायावादी विचार में उपस्थित फिर उसका बाद हमको कहाँ उधर से खींच के लाया क्योंकि चिंता मनिर जयती सोमगिर गुरु में सोमगिरी ये मायावादी गुरु का ही नाम है सोमगिरी कोई वैष्णव वैष्णव गुरु का नाम सोमगिरी होता नहीं कोई वैष्णव गुरु का नाम सोमगिरी होता नहीं तो जरूर माया ये मायावादी का ये स्वीकार भी किया काल हम इस बारे में चर्चा करेंगे प्रमाण देंगे व लिखा है जो हमको ब्रह्मानंदों का सिंहासन से खींच के लाए और लीला रस में भरपूर कर दिया मेरे को आनंद में डुबा दिया तो ये जो चिंता मनेर जयती सोम गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिख मौली शिक्षा गुरुश्च सिख शिक्ष मौली मन मतलब जो मयूर मुकुट जिसका माथे पे मयूर का मुकुट है क्राउन मुकुट है यह है गोविंद कृष्ण भगवान ये गोविंद का चरण कमल भगवान गोविंदो का या चरण कमल का जो आनंद विलास है जत पादो पल्लव शिखरेशु भगवान रसिक शेखर भगवान इज अ टॉप मोस्ट रसिक नॉट ओनली दैट इज अ सोर्स ऑफ ऑल रसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ये गोविंदो का चरण कमल में जो इतना आनंद की बार है रस की सागर है इसी रस का खिचावट से इसी रसानंद से खिंच कर राधा रानी आई है जगपाद पल्लव शिखरेशु लीला स्वयंबर रसम लभते जयश्री श्रीमती रानी भागे आई श्रीमती राधारानी फीलिंग ट्रिमेंडस एट्रैक्शन ऑन टू द लोटस स्वीट ऑफ गोविंदो हुईज सोर्स ऑफ ऑल रसा एंड रानी आनंद से एकदम पागल हो जाती है लीला स्वयंबर रसम लभते जयश्री ये आनंद ये रस रिचिंग पिक पॉइंट एक्सट्रीम एब्सुलूट पॉइंट ये व्याख्या किया चिंता मनीर, गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान्ख पिंछ मौली यद कल्पतरुपल्लवशिखरेशलास्वयर रभते जय श्री ये व्याख्या मैं काल हमने किया था फिर भी काल बोला था कृष्णदास कुबिराज गोस्वामी गाइडिंग आस वेरी टैक्टफुली कृष्णदास कुबिराज गोस्वामी वेरी कैची वे वेरी वेरी साइंटिफिक वे वेरी इजिली हम लोगों को तत्व विज्ञान का व्याख्या कर रहे हैं कृष्णदास कोविराज गोस्वामी वेरी विथ इजी रिप्रेजेंटेशन ही इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड द तत्व वेरी इजी काल बताया था जीवे साक्षात नहीं गुरु चैत्य रूपे चैत्य गुरु हमारा हर जीवों का अंदर में है चैत्य गुरु बाहरी आंखों से देखा नहीं जाते यू कैन नॉट सी चैत्र गुरु बट यू कैन फील समडे जीवे साक्षात नहीं डायरेक्टली कनट सी जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे भगवान चैत्य गुरु रूप में हृदय में विराजमान हैं और शिक्षा गुरु है कृष्णो महान्तो स्वरूपे तो ये चैत्य गुरु कभी कभी अंतर से हमारा कॉन्शियसनेस लेवल को चेंज कर देता है इम्प्रूव कर देता है और जो चीज़ काल समझ में नहीं आ, समझ में नहीं आए आज समझ में आ रहा है चैत्य गुरु का बैकिंग मिलने से चैत्य गुरु का बैकिंग मिलने से तब आगे चलकर आपको तत्व ज्ञान का पुष्टि एसिमिलेशन हो सकता है चैत्य गुरु अगर बैकिंग ना करे जितना भी सुनते रहो आई कैन रिमेंबर समथिंग यह ही हो और कुछ नहीं तो जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु हय कृष्ण महान्त स्वरूपे भगवान श्री कृष्ण चैत्य गुरु का रूप पकड़ कर हम लोग को शिक्षा देते हैं इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी असत्संगो नहीं करते बुद्धिमान व्यक्ति जो लोग वास्तविक बुद्धिमान हैं ये हर वक़्त संगो फेंक कर संगो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेरी सीक्रेटली कैन कम इन अवर लाइफ एनी हाउ यू कैन नॉट रियलाइज तो कृष्ण भजन करने के लिए कृष्णदास कुबिराज गोस्वामी जी ने भागवत जी महापुराण का ग्यारह नंबर स्कंद का जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को उपदेश किए एक श्लोक वहाँ से उठाकर कह रहे हैं ततः तो तो दुस्संगम सृजो सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतो एव असो छिंदी मन व्यासंगम उक्ति भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को कह रहे हैं उद्धव बुद्धिमान व्यक्ति कभी असत्संग नहीं करते सत्संगो एनी काइंड ऑफ असत्संगो फेंक के दूर एकदम फेंक दिया फेंक के ऑलवेज ट्राइंग टू घेट सत्संग सत्संग अन इंटरप्टेड सत्संग जो सत्संग हमने दिन में दो घंटा हरी कथा सुना महाराज हम भी सत्संग किया सत्संग डायरेक्टली और मेंटली हर वक्त सत्संगो चलना चाहिए तब आगे चलकर भगवान मिल सकता है उसका पहले नहीं तत् तो दुस्संग मुत्सृजो सत्सु सज्जित बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति हर हालत में असत्संगों को फेंक कर हर भगत सत्संगो मांगता है क्यों सत्संगो मतलब साधु संगो साधुसंग होने से क्या होगा साधुसंग होने से संतो एव अश्व छिंदी मनुस्य संतो एव अश्व छिंदंति मनोव्यासंगम उक्ति भी उक्ति भी मैंने प्रवचनादि भी हरि कथा के द्वारा अब जगत का वैकुंठ शब्दों वाणी के द्वारा जीव का बद्ध जीवों का हृदय में जो बंधन है उसको काट के फेंक देगा हमारा अंदर में, हमारा अंदर में जो बंधन है गुरु वैष्णव अपना प्रवचन के द्वारा हरी कथा सुनाते 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 संत एव एव मने अफर्मेटिव एव अशो डेफिनेटली क्या करे छिन्दंती कैन काट एंड थ्रो ऑल बॉन्डेज वेर इन इनसाइड में हार्ट सब काट के फेंक देगा तो संतो एवं सो छिंदंति मनोव्यासंगम उक्ति भी उक्ति में बाई प्रवचन भाई हरि कथा के द्वारा परिवहन इसके बाद काल हमने बोला जे कपिल जी महाराज काल बोला कपिल जी महाराज अपना माताजी कोपिलजी महाराज भगवान कोपिल अपना माताजी को कह रहे हैं कि देखो सतांग सतांग प्रसंग्यााद मम जो संविद भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा तय स्वनाद आँसु अपवर्ग रतिर भक्ति रणु क्रमश्यति कोपिलजी महाराज अपना मैया देवा देवाहूति को कह रहे हैं कि देखो शतांग प्रसंगात व्हाट इज द एडवांटेज स्पेशल एब्सोल्यूट एडवांटेज यू कैन गेट इन कंट द एसोसिएशन ऑफ गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव का सानिध्य में गुरु वैष्णव का सानिध्य में माताजी तुमको भगवान का अपराकित रसमय हरि कथा सुनने का व्यवस्था हो सकता है क्योंकि संत महात्मा बाजार का मार्केट का कोई बात नहीं कहते हर वक्त भगवान का गुण कीर्तन करते हैं इसलिए सतांग प्रसंगात बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर साधु गुरु वैष्णव यू कैन हैव गेट द स्कोप ऑफ हियरिंग ऑल वेरी पावरफुल हरी कथा शतांग प्रसाद जो संविद भवंती हित करनो रस हित करनो रसायनक कथा बड़ा टेस्टफुल बड़ा टेस्टी कथा हित हृदय ए हार्ट एरकान दोनों के लिए रसायन है भागवत शास्त्रों में बताया हित करनो रसायन मतलब इट इज वेरी टेस्टी फॉर बोथ फॉर योर आइज एंड फॉर योर हार्ट कर्णों का लिए रसायन जैसे कोई, कोई सुंदर स्वादिष्ट रस पान किया कोई टेस्टफुल कोई रस पान किया तो का और और दे दो रस और दे दो पान करने का लिए इच्छा होता है ऐसा जो वास्तविक गुरु वैष्णव है ये संत महात्मा का मुखार से इतना रसमय कथा का मंदा कि प्रवाह हो सुनते सुनते आनंद में उछल पड़ता है इतना कानों में सुनता है कानों में सुनकर कान से हृदय में जाता है कान से हरि कथा सुनने के बाद हृदय में जाता है यहाँ भी एक टेस्टफुल फीलिंग हृदय के लिए भी रस है और कान के भी लिए रस है शतांग प्रसंग्याद मामवीर मन शतांग प्रसंगञाद मामवीर जो संगितो भवंती हृदकर्ण रसायनक कथा तोस्नाथ यू गो ऑन ड्रिंकिंग गो ऑन ड्रिंकिंग पानकर्तिको तजो सुनाद आंसू वेरी शॉर्टली अपवर्ग बत्मनी पवर्गो अपवर्गो टू टाइप ऑफ थिंग बेंगो बा, बांग्ला नॉलेज नहीं रहने से समझना बहुत मुश्किल है बांग्ला और हिंदी नॉलेज रहने से पूरा समझ में आता है धर्म अर्थो काम मुखो ये सब हो पवर्गो ना और ये सब लेके ही दुनिया का आदमी व्यस्त है में ये समझाना बहुत मुश्किल है जो लोगों का हिंदी पता है बांग्ला पता है संस्कृत पता है वो जो जानता है वो सब्जेक्ट व्याकरण में अगर अ आ क खे सब पढ़ते चलोगे ना देखे गो देर इज सम ग्रुप अ आ क एक है ग्रुप है गौ गौ ये ग्रुप है एक एक ग्रुप तो ये एक ग्रुप का अंदर में वर्ग है वर्ग मतलब प प इज इन लीडिंग पार्ट ए लीडिंग पार्ट वेरी इंटेलिजेंट होना चाहिए नॉट ओनली टेक्निकली बहुत बुद्धि होना चाहिए तो वर्ग मीन प प म प का ग्रुप में प प म प मतलब पप पिन फल भोग रिजल्ट यू विल हैव टू टू गेट रिजल्ट ऑफ योर एक्शन तो प प पा मतलब पाप सिनफुल एक्टिविटी फ मतलब फल भोग यू हैव टू सफर फॉर दैट व्हाट यू आर डूइंग एवरी एक्शन एट इज इक्वल एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन यू टू फियर प फ ब ब बने वृद्धि वृद्धि सम हाउ यू आर ग्रोइंग अप और इन प फ बीन फियर फि बीन वृद्धि ग्रेजुअली यू कैन गो ऑन वृद्धि मीन योर फिजिकल वृद्धि और मेंटल एक्सटेंशन ऑफ योर नॉलेज दैट कैन बी एनी वे यू कैन अंडरस्टैंड বৃদ্ধি মতলব বৃদ্ধি বৃদ্ধি অফ ইউর বডি ই টুক বার্থ আফটার দ্যাট ইউর গ্রোয়িং আফটার দ্য এগেন গ্রোয়িং আফটার দ্য এগেন গ্রোয়িং আফ আফটার দ্যাট ইউ আর গোয়িং গ্র্যাজুয়ালি এজ আফটার দ্যাট ইটস কল বৃদ্ধি বৃদ্ধি তো প মিন সিনফুল একটিভিটি পাপ ফ মিন ফলভোগ হ্যাঁ প ফি প ফ ভিন ভয় ফিয়র फियर फॉर सम अनोन रीजन क्यों भगवान का चरण में अगर लगन नहीं है इफ माई अटेंशन इज नॉट अंडर लूडो स्पीड ऑफ फिक्स भगवान देन सम ऑफ़ फियर कैन चेज मी ऑल द टाइम हर वक़ात एक अनोन ए वन काइंड ऑफ अनोन फियर गोइंग टू चेज मी आई डोंट नो द रीजन सम अनोन फियर वाई इसका कारण हमारा भगवत चरण में कंटिन्यूअस जो फिक्स अटेंशन जो गीता में भगवान बोला न तो ये जो नाम आम परज पास कालं युक्ता नाम व्याख्या करेंगे आज समय नहीं है समय यार है तो कंटिन्यूअसली दो, दो इन टच विथ मी हार बकत एक पल भर के लिए भी मेरा संग मेरा चिंतन छोड़ता नहीं तो ये जो भ मिन प फिन भा भय फिहर मॉमिन मृत्यु डेड मॉमिन मृत्यु तो प फ ब होल वर्ल्ड रनिंग टुवर्ड्स दिस सिंगल थिंग पॉबर गो नोइंगली और अनोइंगली समग्र जगत जाने अनजाने में ये पवर्गों का ओर भाग रहा है और अपवर्ग मीन अपवर्ग एब्सेंस ऑफ पवर्ग अपवर्ग मीन वैष्णव दे आर इन फेवर ऑफ अपवर्ग पवर्ग मीन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन पवर्ग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन आर अपवर्ग मीन अ प वर्गो एबजेंस ऑफ प वर्गो दैट्स मीन सम एक्सक्लूसिव थिंग अ प्राकृत चिन्मॉय सो अपर्गो मीन दोजू आर लेस इंटरेस्टेड अवर मेटेरियल थिंग दोज वू आर ट्राइंग टू रियलाइज हु आई एम एवरी बॉडी थिंकिंग सपोज दोज आर ट्राइंग ओप वर्गो का ओर जाएगा manu apavarga means gradually you are trying to proceed toward this absolute truth. Maybe a little bit this life, next life a little bit more, next time. And well, finally you can meet with pure Guru Vaishnava, very powerful, who can catch your here and pull you out of this material ocean. Guru Vishnu can catch you. You are floating in this ocean of mayana. So can catch your hair and पुल आउट ऑफ दिस माया फॉलो तो ये जो कपिल जी महाराज मैया को बताए शतांग प्रसंगाद माम जो संविद भवंत हृत कर्ण रसायना कथा त्व जोशनाथ आफ्टर आफ्टर गेटिंग द टेस्ट ऑफ हरि कथा हरि की जोश नाथ जोशोनाथ मनी গাই গেটিং দ ট্ৰেষ্ট অফ দিছ নিক্টৰ তই জোশনাথ আছোঁ মানে বিফ'ৰ লং ভেৰী শ্বৰ্টলি বিফৰ লং মানে ভেৰী শ্বৰ্টলি চ' তই জোশ্বনাথ আছোঁ আছোঁ মিন ভেৰি কুইকলি ভেৰি নট অপবৰ্গনি অপবৰ্গনি মানে ইন দ্য ৱে অফ অপবৰ্গ গ্ৰেজুৱেলি ইউ কেন ডেভেলপ শ্ৰদ্ধা শ্ৰদ্ধা रती अटैचमेंट भक्ति रणुक्रमश ग्रेजुअली ग्रेजुअली यू कैन गो ऑन इंक्रीजिंग एवरीथिंग दे ये एग्जाम्पल कि कोविराज गोस्वामी जी ने हम लोगों का मंगल के लिए कैसे इन ग्रेजुअल कोर्स ऑफ टाइम कैसे धीरे धीरे हम लोग मंगल का ओड बढ़ सकता है इसका विचार बताते हुए अलग अलग भाग भागवत जी महाप्राण से इधर उधर से प्रमाण उठाकर यह संकलन कर दिया ईश्वर स्वरूप भक्तो तार अधिष्ठान भक्तों लोगों का अंदर में भगवान का अधिष्ठान रहता है इनसाइड भगवान टेकिंग रेस्ट हर कोई का अंदर में भगवान परमात्मा का रूप में विराजमान है हर कोई का हृदय में भगवान परमात्मा का रूप में विराजमान है लेकिन स्पेशली भक्तों के हृदय में भगवान कैन टेक रेस्ट वेरी यू नो टेंशन क्यों भक्तों का अंदर में अन्नाभिलास नहीं है भक्तों का अंदर में कामना वासना डिमांड कुछ नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए भगवान रेस ले सकते आराम कर सकता है सो so, ईश्वर स्वरूप भक्तों तार अधिष्ठान हर भक्तों का अंदर में भगवान का अधिष्ठान है इसलिए किसी भक्तों को अपमान करने से भगवान का अपमान हो जाता किसी भक्तों को अपमान करने से भगवान का अपमान हो जाता जैसे उदाहरण दे दे बाद में चलकर आएगा कृष्णदास कोविराज गोस्वामी का पूर्वाश्रम कृष्णदास कोविराज गोस्वामी जी का पूर्वाश्रम झमटपुर बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में वहाँ एक बड़ा फंक्शन हुआ एक उत्सव हुआ उत्सव में मीन प्रतम रामदास बुलाया था उनको मीन प्रतम रामदास आया था मीन क्रथम रामदास इचानल पर्षद ऑफ नित्यानंदो बलराम मीन प्रतम रामदास आया लेकिन मंदिर का अंदर में जो पुजारी हैं उसका वैष्णवों का चरण में उतना विश्वास नहीं है पूजा कर रहा है कनिष्ठ भक्त हो कनिष्ठ भक्त मीन विग्रोह पूजा कर रहे हैं लेकिन गुरु वैष्णव में विश्वास नहीं है समझा नहीं समझा कनिष्ठ भक्त मान कनिष्ठ भक्त मतलब जो पूजा कर रहे हैं विग्रोह पूजा कर रहे हैं लेकिन गुरु वैष्णव को वह उतना विश्वास नहीं इसका नाम है कनिष्ठ भक्त तो ये कनिष्ठ भक्त है इतना बड़ा नित्यानंद बबू का नित्यानंद बबू का पार्षद आया है मिनकतम कदम नामदास ये सम्मान नहीं दिखाया अरे आया तो आया ये सम्मान नहीं दिखाया इन्होंने राम मीन नामदास को खड़ा होकर सम्मान नहीं दिखाया प्रणाम नहीं किया कुछ नहीं किया मीन नामदास कुछ नहीं बोला लेकिन जाने का टाइम में वो समझ पाया कि नित्यानंद चरण में ये पुजारी का, नहीं का विश्वास नहीं है पुजारी का नित्यानंद चरण में विश्वास और किशोरदास कोविराज गोस्वामी का जो भाई है किशोरदास कोविराज गोस्वामी की जो अपना भाई है छोटे भाई भाई का भी नित्यानंद चरण में विश्वास नहीं लेकिन गौरांग चरण में विश्वास है गौरांगों को मानता है नित्यानंद को विश्वास उतना है हो सकता मीन कदम नामदास जब कोई भक्त जब कोई प्योर भक्तो जब कोई शुद्ध भक्त किसी जगह जाता है तो भगवान और गुरु जी को हृदय में लेके जाता है वैन वन प्योर वैश्विक गोइंग एनी surely श्योरली इज गोइंग विद गुरुदेव इन साइड इजर्ट एंड भगवान कोई अगर इंसल्ट करे अपमान करे

भक्तों के हृदय में विश्राम लेता है और भगवान अम्बरीश अम्बरीश महाराज, महाराज का जो उपाख्यान है नाइन्थ कैंटो में नौवा नाइन्थ कैंटो नौवा कंटो में कैंटो में नौ खंडों में जो अम्बरीश महाराज का उपाख्यान आता है अम्बरीश महाराज का उपाख्यान का उधर जैसे भगवान ये दुर्वासा मुनि को पनिशमेंट दिया दुर्वासा मुनि को पनिशमेंट दिया अम्बरीश महाराज को प्रोटेक्शन दिया और भगवान खुद उधर बताए भगवान बताए जो अम्बरीश महाराज क्षमा प्रधान को क्षमा कर दो आई हैव डन मिस्टेक प्लीज एक्सक्यूज मीन भगवान कह रहे ए साधवो हृदय मई हम साधु नाम हृदय तो अहम मदन्नते न जानती न हम तेभ्यों मना गोपी क्या कह रहे हैं भगवान दुर्वास मुनि को वार्निंग दे रहे हैं hey, shadows, ए बी केयरफुल साधु देर आर मई हार्ट एंड दे थिंग आई एम देर हार्ट साधु वो हृदय मह्यम साधुनाम साधु वो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो अहम

बड़ा भारी पैसा इज्जत सम्मान दे वो लेगा नहीं भगवान खोद कह रहे हैं जे इफ आई लाइक टू ऑफर बिग बिग थिंग मानी प्रॉपर्टी दे नॉट टेकिंग भगवान ने बोला है नवास में इफ आई लाइक टू ऑफर देम बिग बिग पोजिशन मानी दे आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट भगवान ने खुद स्वीकार किया भगवान ने बोला देखो दियोमानम ओपी नो गृह आई लाइक टू गिव मतलब नो 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 आई कैन नॉट प्रहलाद महाराज यू हैव टू नो आई कैन नॉट सीट इन सिंहासन दुबो महाराज यू हैव हैव टू टू नो आई कैन यू सीट तुमको बैठना पड़ेगा तो भक्तों लोग कोई मानी पोजिशन इज्जत कुछ नहीं चाहता है। ये लोग भगवान कह रहे हैं कि दीयमानपी न गृहणती मत सेवनम जना हमारा भक्तो केवल हमारा सेवा मांगता है सेवा सेवा हमारा भक्तो केवल हमारा सेवा मांगता है पैसा रुपया कुछ नहीं मांगता भगवान स्वयं बोल रहा है भगवान बोल रहे हैं हमारा भक्त कुछ नहीं चाहता है ए, सेवा दो सेवा सेवा आई वॉन्ट सेवा नथिंग एल्स सेवा आनंद तो भगवान कह रहे हैं कि दियोमानम उपी न गृहती मत सेवनम जाना दोज आर हैबिशुएटेड टू सर्व मी भक्तो इफ आई लाइक टू ऑफर समथिंग आई लाइक यू सेवा प्रहलाद महाराज जी को नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज जी को नरसिंह भगवान कह रहे हैं प्रहलाद कुछ मांग लो कुछ ले लो आई लाइक टू गिव यू बेनिडिक्शन क्वा हम हम तुमको तो वरदान करेंगे कुछ मांग लो चाहो चाहो मांग लो हम वरदान देंगे बोल महाराज बोला प्रभु यू आर माई मास्टर आप हमारा प्रभु हो मैं आपका अन है बोले अनपेड सर्वेंट पेमेंट नहीं लेता है हम सर्वेंट तो हम क्या मांगे आप आ गया आपका दर्शन दे दिया आपका दर्शन हो गया कुछ नहीं चाहिए भगवान बोले नो यू कैन आक समथिंग आई काम ना आई एम बड़ोदर सब आई एम सब शब बर दोज यू हैव द पावर टू गिव बेनिडिक्शन आई एम द मास्टर ऑफ दैम सो आई नॉट यू आक समथिंग फ्रॉम नो 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 आई वांट नाथिंग ना यू कैन नाक समथिंग कुछ तो मांग लो हमको oh, बर नहीं चाहिए आई डोंट वॉन्ट एनी बेनिडिक्स नो समिंग प्रहलाद महाराज सोचा भगवान से कुछ मांग ले ठीक है लेकिन ऐसा चीज मांगा इन योर ऑनर निशिंग देव इन योर ऑनर आई कैन आस्क सम थिंग कैन यू गिव मी आई यस व्हाट एवर यू कैन आस्क आई कैन गिव यू भले यू कै डू हम थिंग कमानम You bless me so that never, never, never any kind of desire appear inside my heart. So clever, you see. Benediction he is taking. He but very clever. Devotee is more clever than Bhagavan. Devotee can make fool of Bhagavan sometime. <laughs> there is so much incident in Vrindavan. If I go on seeking, you can go mad. भगवान लाइक टू मेक फुल ऑफ डिवोटी जो डिबोटी मेक फुल ऑफ भगवान सो इंटेलिजेंट मेले यू यू लाइक टू गिव बेनिडिक्शन ओके हाँ आप आप आशीर्वाद आप uh, बेनिडिक्शन वरदान करना चाहते हो ठीक है एक काम करो ऐसा बर दे दो कि हमारा हृदय में कभी भी किसी भी दिन किसी चीज़ का लिए चाहत ना पैदा हो जाए इच्छा किसी चीज के लिए डिमांड, किसी चीज प्राप्ति के लिए कोई इच्छा ना पैदा हो जाए यही आशीर्वाद यही वरदान मांग रहा हूं तुमसे तो ऐसा चालू है भगवान और इसके बाद भागवत जी महापुराण का पहला नंबर पहला स्कंद प्रथम स्कंद फर्स्ट कैंटो से तेरह नंबर उध्याय का दस नंबर श्लोक जहाँ विदुर जी जहाँ विदुर जी महाराज तीर्थो पर्यटन इन कोर्स ऑफ इट ट्रैवलिंग ऑल डिफरेंट पिलग्रमेज विदुर जी महाराज जब हस्तिनापुर आए इंदोबस्तों आए उस समय ये बात युधिष्ठिर महाराज ने बताया युधिष्ठिर महाराज बोले महाराज आप पिलग्रमेज आप तीर्थो पर्यटन क्यों जा रहे हो

युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज विदुर जी महाराज को कह रहे विदा भगवत तीर्थभूता स्वयं यूर्सल बिग शरीर शरी गोइंग ओ आई नो वाय गोइंग तीर्थी कुरंती तीर्थानी शांत से गदापिता। गिता भगवान गदा गदाधारी भगवान शंकु चक्र भगवान आपका हृदय में विराजमान है इसीलिए आप जहां भी पहुंच जाओ वो सारे वातावरण पवित्र हो जाए है भक्तों जहाँ जाता है एक भक्तो जहां भी जाता है वो जगह पवित्र हो जाता है एक भक्तो जहां भी जाता है प्योर भक्तो वो जगह पूरा पवित्र हो जाता है उसका सानिध्य में जो कोई भी है एनी बॉडी देयर इन दिसनिटी ऑफ दैट प्योर डिबोटी ऑल दे कैन प्योरिफाई सो सो इट इज रिटीन महांतर काज नहीं लिखा है चैतन्य चैतन महांतर काज नहीं पामोर तारितें निजो इच्छा नहीं तो वो जाए परो घरे एक प्योर भक्तो जो पर्यटन इधर उधर जाता है जाने का पीछे कारण है सब आदमी को पवित्र बनाना पवित्र बनाने की जाता है अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है तो भगविधा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभो और तीर्थी कुरवंत तीर्थानी शांत से न गदाधर भगवान भक्तों भग आपका हृदय में विराजमान है इसलिए आप तीर्थ पर्यटन का बहाना लेकर तीर्थ पर्यट तीर्थ तीर्थाटन का बहाना लेकर अब अलग अलग तीर्थ जगह में आप पर्यटन करने के निकालते हो इसका कारण क्या है वो तीर्थों सारे तीर्थों एक एक करके सब तीर्थों को पवित्र बनाने के लिए विदा भागवता तीर्थ भुक्ता स्वयं विभु तीर्थ कुवंती तीर्थान शांत स्तैन अभी भक्तों का महिमा कीर्तन किया भक्तों का महिमा कीर्तन किया और इसका बात कह रहे हैं ये भक्तों दो किस्म का टू कैटेगरी भक्तों हो सकता है एक है नित्य पार्षद कभी कभी नित्य पार्षद भगवान ऊपर से आते हैं जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर नित्य पार्षद ऊपर से आते हैं और कभी कभी साधक भक्तों को साधन करते करते सिद्ध हो गया ये भी हो सकता है तो नित्य सिद्ध पार्षद है और एक है साधक गण वो भी भक्तों लोग हैं साधक भक्तों और साधन करते करते सिद्धो बन गया ये भी हो सकता है साधन करते करते सिद्ध हो गया साधन करते करते इन कोर्स ऑफ साधन सिद्ध बन गया ये भी हो सकता है तो साधक दो कैटेगरी का है दो किस्म का एक है नित्य सिद्ध भगवत पार्षद और एक एक और गौन, साधक गण जो लोग साधक है साधन किया वो साधक वास्तविक साधन कर रहे हैं और साधन करते के तो सिद्ध बन गया ये भी हो सकता है तो सही भक्त भक्तो है सही भक्तो है दिविदो पुकार सही भक्त भक्तो है दिविदो पुकार परिषद गण एक आर साधकगण आर ठीक है दो किस्म का भक्तों का बारे में हम बताया आज यहाँ चर्चा का विश्राम देना जरूरी है समय हो गया हमको बैठना पड़ेगा दूसरा क्षमा करे नहीं तो मनो में तब कथा सुबई कु दुष्ट मसाद तीव्रम कामातुरम हरसोसोक भयोइ सनारतम तस्मिन कथम तब गतिं बिमिसां पांच अकलपद रोच्चे के पास इन पतितानं पापने पु विष्णु विष्णु